तीसरी प्रखंड के अंचल में पदस्थापित कर्मचारी गोपीनाथ सिन्हा का सेवानिवृत्त होने पर अंचल व ब्लॉक परिसर के अधिकारी व कर्मचारी ने अंचल ऑफिस में विदाई समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पांडा जी ने किया और संचालन अंचल के प्रधान सहायक मनीष भारती ने किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी कर्मचारी एक एक करके अपने विचार रखे। इस दौरान सीओ असीम बाड़ा ने कहा कि गोपीनाथ जी मेरे साथ एक साल से काम कर रहे, इनकी कार्यशैली एवं जनता के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहा। ईश्वर से कामना करता हूं कि इनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। इधर सेवानिवृत्त गोपीनाथ सिन्हा ने कहा कि आज मेरा तीसरी ब्लॉक में विदाई समारोह किया जा रहा है और लोगों में मेरे प्रति जो प्यार झलक रहा है मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं रिटायर हो गया हूं, मेरी जरूरत किसी भी कर्मचारी बंधु को जरूरत हो मैं हमेशा साथ दूंगा। वर्तमान CI नरेश सिन्हा ने कहा कि किसी ने सच कहा है, विदाई और जुदाई की घड़ी बड़ी दुखदाई होती है पर इसे स्वीकार हर किसी को करना ही पड़ता है। गोपीनाथ जी 39 सालों से अलग अलग स्थानों पर अपने कार्यशैली अच्छे से निभाए और लोगों के बीच का संबंध अच्छा रहा है। मेरी तो सेवानिवृत्ति की तिथि 31 जनवरी 2022 थी। मैं 31 जनवरी 2022 को रिटायर कर गया। आज यहाँ फेयरवेल मनाया गया इसी उपलक्ष्य में। रही बात की फीलिंग एक होती है क्योंकि इतने लोगों के साथ हमेशा मिलना जुलना है, रोज़ जवाब देना है, सवाल करना है और एक अचानक कभी घर चले जाना है तो थोड़ी सी फीलिंग तो होती है कि हाँ भाई अब हम सिमट गए। मोबाइल की स्थिति जब चली थी तो मोबाइल में ढेरों कॉल रोज आ रहे थे, अब हो सकता है 10 आवे 8 आवे, हमको भी थोड़ा देर लगेगा कि अरे आज कुछ नहीं आया। तो एक फीलिंग होती है अनुभव भीतर से कि हाँ चलो, लेकिन तब है कि जब अपना माहौल अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सर के अच्छे माहौल में हम लोग ने काम किया, हम तो सराहना करेंगे सर का भी कि बहुत अच्छे माहौल में काम लेते हैं, लेने का तरीका भी इनका अच्छा है सर का, और इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग जब बुलाते हैं, जब बोलते हैं तब आ जाते हैं और अभी भी आगे भी बोलेंगे तो ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ो अब क्या मतलब है नहीं जाना है, ऐसी बात नहीं है। सर जब कॉल कर देंगे फुर्सत में है तो ज़रूर आ जाएंगे। आगे भी आपका योगदान रहेगा, आगे भी योगदान रहेगा मेरा ऑफिस में या किसी जितने हमारे कलीग हैं कुछ पूछना चाहेंगे तो क्यों नहीं बताएंगे। हम जानकारी रखते हैं तो बताते हैं, हम जानेंगे नहीं तो बताएंगे क्या, और जानकारी रख के हम लेते नहीं चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उसको महत्व दिया जाना चाहिए कि लोगों को जानकारी पहुंचाए, आम जनता को भी कुछ पूछता है तो बता देते कि ये काम ऐसे करना वैसे करना, नहीं बताएंगे तो उन लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, तो ठीक है, रिटायरमेंट की तिथि तो समाप्त हो गई मेरी और लंबे अंतराल 39 वर्ष बताया मैंने, जैसा 39 वर्ष मैंने बिताया है सर्विस में और बहुत चीज़ों को देखा भी है। उस समय से लेके आज तक बहुत चीज़ परिस्थितियाँ बदली है, बहुत सारा चीज़ भी बदला है। पहले हाथ से लोग काम करते थे तो बहुत सब कंप्यूटराइज हो गया, मोबाइल हो गया, उसी से आप काम ले सकते हैं, यही सब स्थिति है। गोपी बाबू आज ने राजस्व निरीक्षक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए 31 जनवरी को और इसकी विदाई समारोह हम लोग अंचल में आज रखे हैं। ये इनके साथ हमने एक साल काम किया, इनके अनुभवों का हमसे हमने बहुत भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने अपनी जो भी अनुभव रहे हमसे शेयर किए, जो भी हमारे बीच में राजस्व संबंधी कुछ मामले आते थे तो इनका जो लंबे सालों तक जो सेवा दिए हैं उसका अनुभव निश्चित तौर पर अंचल को मिला। हम इनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।